ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखना, अच्छा का डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपसे यूँ करना है कि आप सभी को सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके आपको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। फिर ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैंने एक इंस्टाग्राम ग्लोइंग का एक PNG दे रखा है, तो आप सभी को उस PNG को डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करके आप सभी को सिंपली यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है, पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद आप सभी को इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आप सभी को इसका साइज़ को बड़ा करके कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को कर देना है यहाँ से सिंपली, पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से कर देता है डन, ठीक है गाइस। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में, एंड उसके बाद आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, आप सभी को यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने। तो उसके बाद आप सभी को इसको आपको पूरे मॉडल को जिस टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि साइज़ को बड़ा करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसका थोड़ा सा एक्सपोजर को जो है मतलब कि मेरे यहाँ पे इसका जो मतलब कि लाइटिंग कम है इस मॉडल में, तो उसके ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है, एंड उसके बाद यहाँ से कर देते हैं हम डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है यहाँ पे अगेन ऐड फोटो में, एंड आप सभी को मैंने एक लाइट का PNG दे रखा है, तो आप सभी को उस PNG को ले लेना है, ठीक है। तो आपको इसको रेड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट, यहाँ पर जाएंगे ह्यू में, एंड इसको हम सबसे एंड में ले जाएंगे यहाँ से, एंड यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइस, रेड कलर में आ गए, एंड अब इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे हम स्क्रीन, ठीक है। अब इसको स्क्रीन कर देंगे, एंड इसको हम सिंपली कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ लगा देंगे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को ये तीन तरफ लगाना है, एक आपको अपने सर के ऊपर लगा देना है और एक इस साइड में लगा देना है, ठीक है। जैसे मैं एक इस साइड में लगा देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को और एक लगा देना ऊपर की तरफ, तो उसको हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ लगा देने के बाद आप सभी को आगे क्या करना है, आप सभी को पहले यहाँ से कर देना है, यहाँ से लगाने के बाद आप सभी को डन, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं डन, एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है यहाँ से अगेन ऐड फोटो में, ठीक है। तो यहाँ सब अगेन चलते ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैंने वाला PNG दे रखा है, तो आप सभी को इस PNG को ले लेना है, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको भी स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को इसको जो है फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ से आप सभी को यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसको लगाने से काफ़ी ऑसम लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे, तो इसको ज़रूर लगाना है आप सभी को, तो यहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को करना क्या है, इसका जो मतलब ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, एंड उसके बाद कर देना है यहाँ से डन। ओके गाइस, इतना कर देने के बाद आप सभी को एक पार्टिकल का PNG फिर वो लेना है, तो यहाँ से चलता है मैट फोटो में, एंड यहाँ से हम एक पार्टिकल का PNG ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने पार्टिकल PNG ले लिया, यहाँ से ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे जाके इसका ब्लेंडिंग मोड कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन कर देने के बाद हम इसको कर देंगे इसके साइज़ को फुल, एंड उसके बाद जो गाइस इसमें कुछ पार्टिकल्स हमारे फेस के ऊपर भी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेज़र टूल में जाएंगे, एंड यहाँ पे इरेज़र पे क्लिक करके, एंड सिंपली हम यहाँ से अपने फेस के ऊपर से इसको इरेज़ कर लेंगे, एंड यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी रख सकते हो, ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी कम कर लेना है, एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन। एंड इसके बाद डन कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना टूल्स में, सॉरी गाइस, ऐड फोटो में आ गया मैं गलती से यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को जाना है यहाँ से टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद जाना आप सभी को एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद जो है गाइस, आप सभी को इसका एक्सपोजर को बढ़ा देना है, एंड यहाँ से जाना इधर टूल में, यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्राइटनेस में ब्रश में जाके, एंड इसके बाद आप सभी को जूम करना फोटो को, एंड जूम करने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से आपको डोजेट बर्न करना अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से, एंड एक यहाँ पर भी कर लेते हैं, लिप्स के पास भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा कर लेते हैं, एंड यहाँ से कर दे डन। एंड उसके बाद जो है जिसका ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सके देख सकते हो, एंड उसके बाद आप सभी को इसको 10 तक कुछ अमाउंट रखना है, एंड कर देना डन। तो उसके बाद जाना अगेन टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद एक्सपोजर को ब्राइटनेस को जो बढ़ा देना है, एंड इधर टूल में जाके यहाँ से इन्वर्ट करके ब्रश में जाके, एंड कुछ साइज़ को साइज से छोटा करके, एंड उसके बाद आप सभी को टी शर्ट वगैरह पे भी अपने कर लेना, ठीक है, जो आपने पहना हो उसके ऊपर भी कर लेना है, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को करना है, ठीक है। तो जो गाइस मतलब कि कपड़ों पर जो लाइनिंग आ जाती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा करना है आप सभी को, ठीक है। और अदरवाइज आप यहाँ पे भी जहाँ पे नहीं आ रही लाइनिंग वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लाइनिंग पे जरूर करना, उस पर काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, एंड एक यहाँ पे कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है यहाँ से हम इसका एक्सपोजर को मैनेज करते हैं, एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद अब बात आती है हमारी कलर करेक्शन की। तो गाइस, कलर करेक्शन करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर, तो यहाँ से सिंपली हम फोटो कर लेते हैं सेव, एंड गाइस यहाँ से चलते हैं हम बैक, एंड गाइस यहाँ से हम कर लेते हैं लाइट रूम ऐप को ओपन। एंड गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, एंड मेरे को यार कंटेंट सोचने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाऊं,
तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके यार मेरा मोटिवेशन में जरूर बढ़ाना यार। एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो यार बेल आइकन को जरूर प्रेस करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना आप सभी को, मतलब कि अब यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आप सीधे यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके फोटो को ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। आप सभी को नीचे से लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को जो इसका कॉन्ट्रास्ट इसको बढ़ा देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देने के बाद आप सभी को जो हाईलाइट्स हैं इसको भी आप थोड़ा सा मतलब कि माइनस में रख सकते हो। एंड उसके बाद आप सभी को एक जो शेडो है इसको बढ़ा देना आगे की तरफ। एंड उसका जो ब्लैक है इसको कम कर देना है एंड वाइट को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन जाने के बाद जो आपका वाइब्रेशन है इसको आप सभी को इसके बढ़ा देना है। एंड जो एक्सपोजर है सॉरी टेम्परेचर है इसको माइनस में रखना है, ठीक है। टेम्परेचर को माइनस में रख देना है एंड जाना मिक्स में, कलर मिक्स में। एंड उसके बाद जाना आप सभी को इसमें ऑरेंज कलर में। एंड जिसका सैचुरेशन है इसको माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जो है मतलब कि रेड कलर इसके जो मतलब ह्यू है इसको आपको माइनस में कर देना है, ठीक है। एंड जिसका सैचुरेशन है इसको प्लस में कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अब जाना है यहाँ से ब्लू कलर में, ठीक है। यहाँ से चलते हैं हम ब्लू कलर में। एंड जो ब्लू कलर है इसका जो मतलब ह्यू है इसको माइनस में कर देते हैं। एंड इसका जो सैचुरेशन हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इतना कर देने के बाद आप सभी को जो कलर करेक्शन का काम है यहाँ पर तो हमारा हो चुका है। तो एक्सपोजर को हम पहले थोड़ा ब्लू के कम कर लेते हैं एंड यहाँ से हम कर लेते हैं ऐसे डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना नीचे वाले टूल में, लाइट्स के नीचे वाले जो टूल है उसमें जाना है। एंड जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में जो विग्नेट है उसको आपको हल्का डालना है, क्योंकि यार फोटो हमारी ऑलरेडी पहले से ब्लैक और ज़्यादा डार्क है। तो उसका जो आपको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को जाना है यहाँ से कलर्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। कलर्स वाले ऑप्शन में जो आपको थर्ड पॉइंट दिख रहे हैं इसमें जाना है। एंड जो शेडो है आप सभी को शेडो को आपको ले जाना है रेड टोन में, ठीक है। रेड टोन में ले जाना है। एंड जो इसके बाद जो सेकंड वाला है ये मिड टोन, इसको भी आपको रेड टोन में ले जाना है, ठीक है। एंड जो थर्ड है हाईलाइट आपको इसको ले जाना है ब्लू टोन में, ठीक है। जो थर्ड टोन है हाईलाइट इसको ले जाना आपको ब्लू टोन में। एंड यहाँ से कर देना आपको डन, ठीक है गाइस। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है सिलेक्टिव टूल में। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करके एंड सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको फेस पे कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड उसके बाद जो इसका एक्सपोजर को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को अगेन प्लस पे क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जिस टाइप से एंड ऐसे एक्सपोजर को माइनस कर देना है, ठीक है। एक्सपोजर को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद अगेन आप सभी को प्लस पे क्लिक करके सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसको आपको फुल स्क्रीन करके एंड यहाँ पे प्रेस करके एंड यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है। एंड जो उसकी क्लियरिटी आप सभी को फोटो की इसको आपको इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को कर देना है ऐसे डन। एंड उसके बाद गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस देखिए ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो पूरी कंप्लीट एडिट हो चुकी है। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, ताकि यार आपके लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।